नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी रचना का शीर्षक है मोबाइल या फरिश्ता। मोबाइल की उपयोगिता का आज के ज़माने के अंदर कितना इम्पोर्टेंस है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेष करके मैंने कोरोना काल के अंदर मोबाइल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी साबित हुआ उसी को लेकर के मेरे मन में मोबाइल के इम्पोर्टेंस को लेकर के विचार पैदा हो गए और मेरी लेखनी ने एक रचना लिख डाली जिसका शीर्षक मैंने दिया है मोबाइल या फरिश्ता। दोस्तों, मैं अपनी कविता शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कविता पसंद आती है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मैं अपनी कविता को शुरू करना चाहूँगा एक शेर के साथ में, तो लीजिए हाजिर है ये शेर। मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता जिगर का टुकड़ा है, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता जिगर का टुकड़ा है, भूल जाए मोबाइल घर अगर लगता कोई अपना बिछड़ा है, लगता कोई अपना बिछड़ा है। ये लगभग हम सबके हालात हैं, लेकिन विशेष करके इस कोरोना काल के अंदर मोबाइल हमारा सबसे सच्चा साथी, हमारा हम सफर, हमारा हमराही और यारों का यार बनकर के उभरा है, और उसी को लेकर के मेरे मन में ये विचार पैदा हुए और मैंने एक रचना लिख डाली जिसका शीर्षक है मोबाइल या फरिश्ता, तो लीजिए हाजिर है। मोबाइल बन गया जीवन उद्धारक, मोबाइल बन गया जीवन पालक, मोबाइल कलयुग का रहनुमा, मोबाइल बन गया सुलेमाना, मोबाइल बन गया सुलेमाना। कोरोना काल का सच्चा साथी, एकाकीपन का हमराही, क्वारंटाइन काल का तो वो, क्वारंटाइन काल का तो वो बना फरिश्ता जीवनदाई, बना फरिश्ता जीवनदाई। बस एक इसके भरोसे ही समय बीत रहा अब तो, सच्ची बात है दोस्तों, बस अब एक इसके भरोसे ही समय बीत रहा अब तो, वरना इस जहां ने तो विलग कर दिया सबको, वरना इस जहां ने तो विलग कर दिया सबको। हेलो हाय टाटा बाय बाय का भी एक सहारा ये, हेलो हाय टाटा बाय बाय का भी एक सहारा ये, वरना सारे संगी साथी दूर से ही सलाम करते हैं, वरना सारे संगी साथी दूर से ही सलाम करते हैं। और अब अगली रचना की पंक्तियों में मैं सीधे ही मोबाइल से वार्तालाप कर रहा हूं एक साथी की तरह से। तेरे सहारे न जाने कितनी जिंदगियां अटकी रही, क्वारंटाइन में तो बस सांसें तुझसे ही थमी रही, क्वारंटाइन में तो बस सांसें तुझसे ही थमी रही। संग जीने मरने की कस्में खाने वाले, संग जीने मरने की कस्में खाने वाले पॉजिटिव सुनते ही न जाने कहां सरक गए, पॉजिटिव सुनते ही न जाने कहां सरक गए। सोचता हूं तू न होता तो क्या होता, अकेलापन काटे नहीं कटता, ऊपर से कोरोना का जानलेवा भय, ऊपर से कोरोना का जानलेवा भय हौसलों को पस्त करने का ही काम करता, हौसलों को पस्त करने का ही काम करता। अगला अंतरा है, सच तो ये है कि कोरोना को हमने नहीं तूने हराया है, सच तो ये है कि कोरोना को हमने नहीं तूने हराया है, कोविड का हर संदेश घर घर पहुंचाया है, कोरोना की चेन तोड़ने में भी
तेरी अहम भूमिका है। कोरोना की चेन तोड़ने में भी तेरी अहम भूमिका है। कोरोना के उपचार से अवगत तूने ही करवाया है। कोरोना के उपचार से अवगत तूने ही करवाया है। विद्यार्थियों के लिए मोबाइल किस प्रकार से उपयोगी साबित हुआ है, इसके लिए अगला अंतरा लिखा है, इस काल चक्र में विद्यार्थी भी भूल चुके होते कि कौन से विद्यालय की कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वो। इस काल चक्र में विद्यार्थी भी भूल चुके होते कि कौन से विद्यालय की कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वो। वो तू ही तो है जिसने ऑनलाइन शिक्षण का सहारा दिया। विद्यार्थी घर बैठे ही सही कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। रिश्तों पर अगर मोबाइल नहीं होता तो इस कोरोना काल पर क्या प्रभाव पड़ता, इसको लेकर के अगला अंतरा, तू न होता तो रिश्तों के धागे टूट जाते, ना टूटते तो कच्चे पड़ जाते। तू न होता तो रिश्तों के धागे टूट जाते, ना टूटते तो कच्चे पड़ जाते, पर तूने बांधे रखा इन्हें मोहब्बत की डोर से। पर तूने बांधे रखा इसे मोहब्बत की डोर से, वो आज भी उतने ही मजबूत हैं दोनों ओर से। वो आज भी उतने ही मजबूत हैं दोनों ओर से। मोबाइल के इंपोर्टेंस को लेकर के अगला अंतरा है, तुम मोबाइल कम और फरिश्ता अधिक लगते हो। घंटों के काम बस यूं मिनटों में निपटाते हो। हर मुश्किल तेरे सामने आते ही हो जाती बेबस। हर मुश्किल तेरे सामने आते ही हो जाती बेबस। तुम हो कि हर मुश्किल का समाधान ढूंढ लाते हो। तुम हो कि हर मुश्किल का समाधान ढूंढ लाते हो। और इस कोरोना काल के अंदर जो मैंने महसूस किया कि मोबाइल कहां तक उपयोगी है, उसके लिए अंतिम अंतरा है, कलयुग की इस जंग में तू कवच कुंडल और ढाल है। आदि व्याधि पर करे प्रहार तू वो ही कृपाण है। कलयुग की इस जंग में तू कवच कुंडल और ढाल है। आदि व्याधि पर करे प्रहार तू वो ही कृपाण है। इस युग में भागीरथी सा जग तारक बन आया है। इस युग में भागीरथी सा जग तारक बन आया है। पीड़ा हारक कष्ट निवारक तू यारों का यार है। तू यारों का यार है। तू यारों का यार है। दोस्तों, मेरी कविता मोबाइल के लिए अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और इसका आनंद लें।